Hello students, today we will discuss about solar energy and wind energy. First, if you will read the first point, solar energy has the greatest potential of all the sources of renewable energy that comes to the earth from the sun. Solar energy आपकी एक बहुत ही ज़्यादा important renewable source of energy है और ये एनर्जी जो है हमें सन के थ्रू ऑब्टेन होती है। अब यही सोलार एनर्जी, सन की एनर्जी सनलाइट के थ्रू क्या होता है, अर्थ पर आती है, जिस वजह से अर्थ सरफेस जो रहता है वो हीट अप होने लगता है। अगर कोल्डर रीजन में भी है तो उस कोल्डर रीजन में भी क्या होगा, सन रेज की वजह से वो रीजन या फिर अर्थ का वो पोर्शन हीट अप होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही ये सब हो रहा होता है, इसी दौरान आपकी जो विंड होती है वो भी सोलार एनर्जी की वजह से ही जनरेट होती है। बिकॉज आपका जो विंड करंट होता है, हवा का जो बहाव होता है, उस बहाव का रीज़न क्या होता है, आपका टेम्परेचर डिफरेंस होता है बिटवीन द एयर एटमॉस्फेयर, रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट द एटमॉस्फेयर एंड द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अबाउट द सन। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होता है, आपकी विंड एनर्जी जनरेट होती है और आपकी सोलार एनर्जी की जो है वो हमारी 5% भी अगर हम सोलार एनर्जी का यूटिलाइज़ कर लें, अगर हम सिर्फ 5% ही सोलार एनर्जी का यूटिलाइज़ कर लें तो ये हमारी रिक्वायरमेंट से 50 गुना ज़्यादा होगा। जबकि सोलार रेडिएशन जो है अर्थ का, अर्थ पर हर साल जो सोलार रेडिएशन है अर्थ पर सोलार एनर्जी का, वो है 3.8 × 10²⁴ जूल पर ईयर। तो अगर हम इस सोलार एनर्जी का यूटिलाइज़ करते हैं तो हम हमारी 5% की जो रिक्वायरमेंट है दुनिया भर की, वो हमसे हमारी 50 गुना होगी अगर हम सिर्फ 5% भी इस एनर्जी का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब अगर हम बात करें एप्लीकेशंस ऑफ सोलार एनर्जी की, सो सोलार वाटर हीटर मींस सन एनर्जी का इस्तेमाल करके हम पानी को हीट अप कर सकते हैं। हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, अगर आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, जो रहने वाली बिल्डिंग्स हैं या घर हैं, उनमें अगर हम विंडोज़ में अगर ग्लासेस लगा दें या फिर हम कुछ इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं जिस तरह से आपका रेजिडेंशियल बिल्डिंग क्या होती है, हीटिंग या फिर कूलिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर दिया जाता है। थर्ड अगर आप देखेंगे, थर्ड वन, तो इट्स अ सोलार ड्राइंग ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल प्रोडक्ट, मींस आप क्या कर सकते हो, सोलार एनर्जी का इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हुए या फिर कोई एनिमल का वेस्ट हुआ, उन सबको आप ड्राई कर सकते हो। सोलार एनर्जी का आप डिस्टिलेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, मींस प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए। आप सी वाटर, तो सी में आप देखते ही हो, सी वाटर जब किनारे पर आता है, सी शोर पर आता है, तो वहाँ पर नमक क्या होता है, आपको मिलता है, उसकी रीज़न क्या है, आपकी सोलार एनर्जी उसी का रीज़न है। सोलार कुकिंग में भी हम सोलार एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। सोलार पंपिंग ऑफ वाटर, आप सोलार एनर्जी का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, खेतों में पंपिंग का काम कर सकते हो, वाटर पंपिंग का काम कर सकते हो। फूड रेफ्रिजरेशन के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो सोलार एनर्जी को, सोलार फर्नेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, एंड लास्ट वन इज सोलार पावर जनरेटर भी आप जनरेट कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। आप इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हो बाय यूजिंग द सोलार पावर जनरेटर्स। सो हम यहाँ पर लास्ट में हमने बात की सोलार पावर जनरेटर्स की, तो कुछ सोलार पावर जनरेटर्स होते हैं जो सोलार एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। सोलार पावर जनरेटर में से एक इम्पॉर्टेंट है आपका सोलार एनर्जी कलेक्टर। सोलार एनर्जी कलेक्टर का मींस क्या रहता है कि एक इस तरह का डिवाइस जो कि सन से जो रेडिएशन आ रहे हैं, जो सनलाइट से जो रेज आ रही हैं, उनको क्या करता है, वो अपनी सरफेस के ऊपर कलेक्ट करता है और उसको यूटिलाइज करता है एक रिक्वायर्ड एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए। सो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के सोलार एनर्जी कलेक्टर्स होते हैं। पहला होता है आपका नॉन कंसंट्रेटिंग और फ्लैट प्लेट टाइप ऑफ कलेक्टर, और दूसरा होता है आपका कंसंट्रेटिंग और फोकसिंग टाइप ऑफ कलेक्टर। सो सबसे पहले जो है आपका यहाँ पर, वो है आपका नॉन कंसंट्रेटिंग और फ्लैट टाइप ऑफ कलेक्टर। सो
फ्लैट टाइप ऑफ कलेक्टर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, सो ये फ्लैट टाइप ऑफ कलेक्टर से मीन क्या है, नॉन कंसेंट्रेटिंग मीन्स क्या होता है कि सारी की सारी रेज क्या होती हैं, एक फ्लैट सरफेस पे जा रही होती हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है, कोई कर्व्ड सरफेस नहीं होता। अगर कोई कर्व्ड सरफेस होता है तो वो पूरा का पूरा सरफेस को क्या करता है, पूरी सनलाइट को क्या करता है, किसी एक फोकस पॉइंट पर ट्रांसफ़र कर देता है। लेकिन फ्लैट प्लेट कलेक्टर में रीज़न क्या होता है कि आपका कोई कर्व्ड सरफेस नहीं होता है, इसमें सीधा सीधा एक सरफेस होता है, जिस वजह से आपका जो सरफेस होता है इसके ऊपर सनलाइट फॉल करती है और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर मैक्सिमम होता है एज़ कम्पेयर टू द कंसेंट्रेटिंग टाइप ऑफ सोलर कलेक्टर्स। सो आप यहाँ पर फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स का ये डायग्राम देख रहे हैं, ये एक कवर प्लेट होती है हमारी, ये ग्लास की होती है, इसके ऊपर हम कवर करके रखते हैं ग्लास के, और ये सोलर रेडिएशंस फॉल आउट करते हैं सरफेस के ऊपर। यहाँ पर अगर ये जो एब्जॉर्बर है, एक्चुअली में ये एक एब्जॉर्बर प्लेट होती है, ये क्रोमियम की बनी हुई होती है, इसके ऊपर हम ब्लैक पेंट करके कोटिंग कर देते हैं, और यहाँ पर हमारा ये एयर स्पेस होता है ताकि रेडिएशन आके इसके ऊपर फॉल करे। अब इसी के नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पाइप्स जा रहे हैं, एक्चुअली में इन पाइप्स में से क्या हो रहा है, आपका वाटर फ्लूड फ्लो हो रहा है, एक एंड से आपका वाटर फ्लूड इंटर करता है और दूसरे एंड से आपका वाटर फ्लूड एग्जिट करता है। जिस एंड से पानी अंदर की तरफ जाता है वो कोल्ड वाटर होता है और आपकी जो हीट होती है वो यहाँ पर आके ब्लैक कोटिंग की वजह से और क्रोमियम मटेरियल के होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, वो सारी की सारी हीट आपकी ट्यूब्स को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। आप ये ट्यूब्स देख रहे होंगे, यहाँ पर ट्यूब्स को ट्रांसफ़र कर दी जाती है और उन ट्यूब्स के ज़रिए कोल्ड वाटर को हीट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिस वजह से आपका आउटलेट ऑफ द वाटर कैसा होता है, हॉट होता है। इन ट्यूब्स के नीचे आपको इंसुलेटेड कर दिया जाता है, इंसुलेशन किया जाता है, जैसे आप थर्माकोल रख सकते हैं वो। उसके बाद आप ये बाहर वाला जो बॉक्स देख रहे हैं इसे हम इनक्लोज़र कहते हैं। इनक्लोज़र का मतलब ये रहता है कि आप इस एक तरह का बॉक्स है जिसके अंदर आपने सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो सारे के सारे इस बॉक्स के अंदर इन कंपोनेंट्स को रखा है। आपने अभी देखा कि सोलर एनर्जी में सबसे पहला जो हम सोलर पावर जनरेटर यूटिलाइज़ कर रहे हैं वो हमने किया था नॉन कंसेंट्रेटिंग टाइप ऑफ कलेक्टर, मींस फ्लैट प्लेट टाइप ऑफ कलेक्टर, और दूसरी तरीके का जो रहता है वो रहता है आपका कंसेंट्रेटिंग टाइप ऑफ कलेक्टर। कंसेंट्रेटिंग टाइप ऑफ कलेक्टर स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं, लाइन फोकसिंग कलेक्टर और पॉइंट फोकसिंग कलेक्टर। सबसे पहले मैं आपको बात कर लेता हूँ लाइन फोकसिंग कलेक्टर के बारे में। आप सारे के सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे तो आप डायग्राम में बिल्कुल वही पॉइंट्स दिखेंगे आपको, इसलिए मैं आपको सारा का सारा लाइन फोकसिंग कलेक्टर जो है डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। स्टूडेंट्स आप ये कंसेंट्रेटिंग टाइप ऑफ कलेक्टर का सबसे पहला जो हम देख रहे हैं ये लाइन फोकसिंग टाइप ऑफ कलेक्टर, इट्स अ लाइन फोकसिंग टाइप ऑफ कलेक्टर। लाइन फोकसिंग टाइप ऑफ कलेक्टर में, ये लाइन फोकसिंग टाइप ऑफ कलेक्टर है, लाइन फोकसिंग टाइप ऑफ कलेक्टर, इट्स अ लाइन फोकसिंग टाइप ऑफ कलेक्टर। क्या होता है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो है एक पैराबॉयडल है, ये एक आपका पैराबोला है, ठीक है। तो इसकी जो आपकी डिस्क होती है ये एक पैराबोला डिस्क होती है, जिसके ऊपर आपने क्रोमियम मटेरियल की एक कोटिंग की है, ब्लैक कोटिंग की है, फिर उसके बाद ब्लैक पेंट से कोटिंग की है। क्रोमियम जो रहता है वो आपका स्टील से ही बना रहता है, बट आपका जो क्रोमियम होता है वो आपको क्या करता है, आपका ब्लैक कलर का क्रोमियम होता है, बिल्कुल बारीक सी परत होती है वो, बिल्कुल शीट की तरह। अब यही शीट के ऊपर क्या रहता है, आपके सन रेज क्या होते हैं, आके फॉल आउट करते हैं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द पैराबोला ये सारे के सारे पैराबोला सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं, और सारे के सारे पॉइंट्स कहाँ पर जाके स्ट्राइक कर देते हैं, फोकस पे, और यहाँ पर फोकस आ जाता है आपका। तो यहाँ पर फोकस पे क्या होता है, आपका एक्चुअली में एक पाइप होता है, ठीक है। तो अब आप अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं तो आपके दिमाग में आता है, बात तो हो रही थी लाइन फोकसिंग टाइप ऑफ कलेक्टर की और यहाँ पर तो कोई लाइन ही नहीं बन रही और यहाँ पर तो उल्टा पॉइंट ही दिख रहा है मुझे। स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखेंगे एक्चुअली में ये पैराबोला कुछ इस तरह से होता है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, आप ये देखिए इस तरह से, और अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट डिनोट कर दूँ यहाँ इस तरह से, तो यहाँ पर क्या हो गई, ये इसकी एक्सिस हो गई, और इस एक्सिस के ऊपर क्या होता है एक्चुअली में, ये एक पाइप होता है इस तरह से, ठीक है। तो जैसे ही सन रेज क्या होते हैं इस पर फॉल करते हैं तो ये कहाँ फोकस होता हुआ जाता है, इस जैसे ही सनराइज इसके ऊपर सनलाइट की रेज इस पर फॉल डाउन करती हैं यहाँ पर, तो ये सारे के सारे फोकस होते हुए कहाँ आ जाते हैं, इस पाइप के ऊपर या फिर इस पाइपलाइन के ऊपर आ जाते हैं, जिस वजह से हम इसे क्या कह रहे हैं, लाइन फोकसिंग कलेक्टर कह रहे हैं। लाइन फोकसिंग कलेक्टर जो रहता है दूसरी तरह का जो पॉइंट फोकसिंग कलेक्टर है उससे ज़्यादा इसकी इफ़िशेंसी होती है, उससे ज़्यादा अच्छा होता है ये।
सो नेक्स्ट का जो कंसंट्रेटिंग टाइप ऑफ कलेक्टर है वो है आपका पॉइंट फोकसिंग टाइप ऑफ कलेक्टर। फ्रेंड स्टूडेंट्स, अगर आप फिर से अगर सारे के सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे तो आपको डायग्राम में बिल्कुल यही पॉइंट्स आपको मिलेंगे, इसलिए मैं इन पॉइंट्स को पढ़कर आपको हिंदी में ना ट्रांसलेट करके मैं आपको डायग्राम के थ्रू आपको पॉइंट फोकसिंग कलेक्टर समझाऊंगा। सो स्टूडेंट्स, अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फिर से हमारे पास क्या है, एक पॉइंट फोकसिंग कलेक्टर है। ये वाली जो डिस्क आप देख रहे हैं ये भी एक पैराबॉइडल डिस्क होती है। पैराबॉइडल डिस्क में फिर से सनरेज फॉल करती हैं और सारी की सारी सनरेज क्या होंगी, एक तरह से एक ही पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक करती हैं। और यहाँ पर पानी क्या होता है, इसके अंदर पानी आपका फ्लो हो रहा है, जब ये पानी इस पाइप के थ्रू फ्लो होता है तो ये पानी हीट अप हो जाता है। और जैसे ही जैसे पिछले बारे टॉपिक में भी मेरा कुछ एक पॉइंट अधूरा रह गया है तो मैं फिर से उस टॉपिक में जाके आपको समझाऊंगा। अभी मैं यहाँ पर बात पूरी कर लेता हूँ अभी। सो यहाँ पर ये एक पैराबॉइडल डिस्क है, यहाँ पर आपकी सन रेज क्या करती हैं, फेड डाउन करती हैं और यहाँ से स्ट्राइक करके फोकस पे स्ट्राइक करती हैं। अब इतनी सारी सन रेज क्या होंगी, अगर एक ही पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही होती हैं तो यहाँ पर एक पाइप लगा होता है, पाइप का एक पॉइंट लगा रहता है, इस तरह से पानी फ्लो होता हुआ जाता है, यहाँ से पानी फ्लो होता हुआ जा रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, सन रेज आके यहाँ पर स्ट्राइक कर रही हैं उसका फोकस पे, तो यहाँ पर जो सन रेज रिफ्लेक्ट होकर फोकस पॉइंट पर आ रही हैं तो ये रेज क्या हो रही हैं, पानी को हीट अप कर रही हैं। और यही हीट अप वाटर क्या हो जाता है, आपका स्टीम में कन्वर्ट होता है। और या फिर हम इसी हीटेड वाटर को डायरेक्टली स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो पाता है तो हम उन रेफ्रिजरेंट्स को हीट अप करते हैं, उस तरह के फ्लूड्स को हीट अप करते हैं जो कि मिनिमम टेम्परेचर पे आपके एवोपरेट हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका अल्कोहल है जो 64 डिग्री सेल्सियस पर आपका एवोपरेट हो जाता है, और अगर आप मीथेन को लेंगे या फिर आइसोबुटेन को लेंगे तो ये सब चीज़ें -19 से लेके -212 डिग्री सेल्सियस तक आपके एवोपरेट हो जाते हैं। तो इस तरह के अगर आप क्या करते हैं, इस तरह के फ्रूट्स को अगर आप एवोपरेट करते हैं तो आप क्या कर सकते हो, लो प्रेशर पे या फिर हाई प्रेशर स्टीम जो भी जनरेट होती है आपकी, जो कि उन वो फ्लूड्स जो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पर एवोपरेट हो जाते हैं, उन फ्लूड्स का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट कर सकते हो। कैसे, जैसे ही आपका ये हॉट फ्लूड हम क्या करेंगे, हीट एक्सचेंजर में सप्लाई करते हैं तो आपके जो लो टेम्परेचर फ्लूड एवोपरेट होते हैं उनसे स्टीम जनरेट होती है, और वही स्टीम का इस्तेमाल करके हम जनरेटर को ड्राइव करते हैं। जिस तरह से आपके यहाँ पर पॉइंट फोकसिंग कलेक्टर में काम हो रहा है, उसी तरह से यहाँ पर लाइन फोकसिंग टाइप ऑफ कलेक्टर में जो पाइप में से वाटर फ्लो हो रहा था, ये वाटर क्या होगा, हीट अप होगा। इसमें भी वैसे ही हॉट वाटर के थ्रू या तो फिर हम सेकेंडरी फ्लूड को हीट सप्लाई करेंगे, और उस सेकेंडरी फ्लूड जैसे कि आपका एल्कोहल होगा या आइसोबुटेन होगा या पेंटेन होगा या फिर आइसोपेंटेन होगा या जो कि लो टेम्परेचर पर एवोपरेट हो जाते हैं, हम उसको सेकेंडरी फ्लूड कहते हैं। उस सेकेंडरी फ्लूड को हम स्टीम में कन्वर्ट करेंगे या फिर उस सेकेंडरी फ्लूड को हम स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और जनरेटर को रोटेट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। सो ये थे आपके सोलार एनर्जी के। अभी तक हमने दो तरह के सोलार थर्मल पावर प्लांट पढ़े हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा था कंसंट्रेटिंग टाइप ऑफ कलेक्टर, नॉन कंसंट्रेटिंग टाइप ऑफ कलेक्टर में हमने फ्लैट प्लेट टाइप ऑफ कलेक्टर के बारे में पढ़ा। कंसंट्रेटिंग टाइप में हमने दो तरह के पढ़े हैं, पॉइंट फोकसिंग टाइप ऑफ कलेक्टर एंड लाइन फोकसिंग टाइप ऑफ कलेक्टर। तीसरे तरह का जो सोलार थर्मल पावर प्लांट होता है वो भी मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे सोलार थर्मल पावर प्लांट का अगर आप ये डायग्राम देख रहे हैं तो ये क्या है, एक तरह से ग्लासेस होते हैं, ये हेलियोस्टेट होते हैं और ये आपके दो डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ये आपके अप डाउन में पोर्शन में, और ये अप भी मूव कर सकते हैं, अप एंड डाउन मूव हो सकते हैं, और उसके बाद आपके ये लेफ्ट और राइट भी मूव कर सकते हैं। मीन्स आपकी एक एक्सिस तो कैसी हो गई, आपकी एक एक्सिस तो इस तरह से और एक एक्सिस वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग ये मूव कर रहे हैं। सो इन ग्लासेस को हम क्या कह रहे हैं, हेलियोस्टेट कह रहे हैं। सो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये एक तरह से हेलियोस्टेट होता है, इसमें आप दो तरह का मूवमेंट देखते हैं, अप एंड डाउन मूवमेंट और लेफ्ट और राइट मूवमेंट। इसमें आपका सेंसर भी लगा रहता है जो सेंसर के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये हेलियोस्टेट मूव करता है। जैसे जैसे आपका सन का रोटेशन होता है वैसे वैसे इस हेलियोस्टेट का भी मूवमेंट होता है। और ये डायरेक्टली क्या होता है, जैसी सन रेज इस ग्लास के ऊपर या फिर इस हेलियोस्टेट के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो रिफ्लेक्ट होकर ये एब्जॉर्बर के पास चले जाते हैं। आपका एब्जॉर्बर जो रहता है, ये क्या है, आपका एब्जॉर्बर,
इस एब्जॉर्बर में आपका जो एब्जॉर्बर बना हुआ है वो आपके जिंक और कॉपर से बना हुआ है ठीक। लेकिन इसकी आउटर सरफेस जो रहती है वो हम प्लेटिनम की कोटिंग करवाते हैं इसके ऊपर प्लेटिनम की कोटिंग हो जाती है। सो क्या होता है, जैसे ही आपका ये सन रेज इसके ऊपर स्ट्राइक करती हैं रिफ्लेक्ट होकर, तो आपका यहाँ पर क्या होता है, एक बॉयलर होता है और ये वाटर को काय में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, स्टीम में कन्वर्ट कर सकता है। तो इस स्टीम को हम किससे, स्टीम टरबाइन के लिए यूटिलाइज़ करते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और अगर ये वाटर अगर लो टेम्परेचर पे अगर कन्वर्ट नहीं हो पाया तो हम क्या करते हैं, इस वाटर को सेकेंडरी फ्लूड जैसा रहता है आपका, जैसे कि मीथेन हो गया, आइसोबूटेन हो गया, आइसोपेंटेन हो गया, इस सेकेंडरी फ्लूड को हम स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। देन सेकेंडरी फ्लूड को हम क्या करते हैं, स्टीम टरबाइन के थ्रू, सेकेंडरी फ्लूड्स के थ्रू जो भी गैसेज जनरेट होती हैं या फिर स्टीम जनरेट होती है, हम उसके थ्रू क्या करते हैं, टरबाइन को रोटेट करवाते हैं और उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सो अभी तक हमने सोलार एनर्जी के बारे में पढ़ा। सोलार एनर्जी में तीन तरह के थर्मल पावर प्लांट होते हैं आपके। हमने सोलार थर्मल पावर प्लांट में तीन तरह के थर्मल पावर प्लांट देखे। पहला वाला था आपका कंसंट्रेटिंग, देन उसके बाद नॉन कंसंट्रेटिंग टाइप ऑफ पावर प्लांट। कंसंट्रेटिंग का मतलब ये था कि आपका सिर्फ जो कंसंट्रेटिंग पॉइंट ऑफ पावर प्लांट रहेगा उसमें लाइन फोकसिंग टाइप ऑफ कलेक्टर पढ़ा हमने, पॉइंट फोकसिंग टाइप ऑफ कलेक्टर। दूसरा नॉन कंसंट्रेटिंग टाइप जो पढ़ा था हमने वो है आपका फ्लैट फोकसिंग टाइप ऑफ कलेक्टर। देन उसके बाद हमने पढ़ा सोलार थर्मल पावर प्लांट के बारे में, और यही चीज़ जो थी आपकी सोलार थर्मल पावर प्लांट के बारे में थी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू द विंड एनर्जी। विंड एनर्जी के बारे में अभी हमने पढ़ा कि सोलार एनर्जी इनडायरेक्टली फॉर्म, विंड एनर्जी जो है वो आपका इनडायरेक्टली फॉर्म है काय का, आपका सोलार एनर्जी का। सोलार एनर्जी क्या होता है, जैसे ही आपकी विंड अर्थ के ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर फेल डाउन करती है तो क्या होता है, वहाँ पर जो विंड है उसमें टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से विंड करंट प्रोड्यूस होता है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं एंड नेक्स्ट थिंग क्या रहती है इसमें, कि नेक्स्ट थिंग ये है कि आपकी जो अर्थ है वो आपके एटमॉस्फेयर के अबाउट रोटेशन कर रही है, जिस वजह से विंड एंड विंड करंट जनरेट होते हैं। और थर्ड थिंग ये है आपकी कि आपका एटमॉस्फेयर, आपकी जो अर्थ है रिवॉल्व इसके सन के चक्कर काट रही है, द अर्थ सरफेस इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। इसमें अगर आप थर्ड पॉइंट अगर आप देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है 1.6 × 10⁻⁷ मेगावाट। द एनर्जी इज अवेलेबल इन द विंड ओवर द अर्थ सर्फेस इज एस्टिमेटेड टू बी 1.6 × 10⁷ मेगावाट। कम से कम इतनी एनर्जी हमारे अर्थ सर्फेस पे विंड के फॉर्म में अवेलेबल है। द एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज बाय विंड टर्बाइन। दिस मेथड कैन बी यूज इन प्लेसेज वेयर विंड वेलोसिटी कंसिडरेबल हाई। हम क्या करते हैं, विंड एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं और विंड टर्बाइन के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब मैं आपको दो से तीन तरह के विंड एनर्जी के टरबाइन समझाऊंगा डायरेक्टली डायग्राम के थ्रू। आप बाकी के सारे पॉइंट्स आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको सारे के सारे पॉइंट बहुत आसान लगेंगे और आप आराम से सारे के सारे पॉइंट समझ सकते हैं, बस आपको डायग्राम समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ये जो आप एक डायग्राम देख रहे हैं ये है आपका विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम का, विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। आप यहाँ से देखेंगे विंड एनर्जी आएगी सबसे पहले, यहाँ पर क्या है, टरबाइन ब्लेड्स लगे हुए हैं, एरो टरबाइन। विंड का डायरेक्शन ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड, विंड टर्बाइन के क्या ब्लेड्स जो रहते हैं, जो एरोफॉयल शेप के रहते हैं, एरोफॉयल क्रॉस सेक्शन एरिया रहता है उनका, आप याद रखिएगा विंड टर्बाइन के जो ब्लेड्स रहते हैं वो एरोफॉयल शेप के रहते हैं, उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया एरोफॉयल का रहता है। आपकी विंड यहाँ पर आके विंड टर्बाइन के ब्लेड से स्ट्राइक करेगी। विंड टर्बाइन के पीछे आपके गियरिंग सेक्शन होता है जो कि आपकी स्पीड को लो या फिर अप करता है। इसी के साथ आपकी गियर बॉक्स जो रहता है कपल रहता है, कपलिंग मतलब आपकी सिर्फ एक शाफ्ट को कनेक्ट करता है वो आपके जनरेटर से, और इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या करता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अब यहाँ पर सिर्फ एक मेन टर्म है आपका पिच कंट्रोल। पिच कंट्रोल से मतलब ये है कि आपकी स्पीड क्या होगी, आपकी जो ब्लेड्स रहती हैं वो आपकी विंड वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर ज़्यादा हुई तो आपकी ब्लेड टूट सकती हैं और अगर कम हुई तो भी टूट सकती हैं। तो इसलिए क्या होता है, आपके ब्लेड्स जो रहते हैं, आपके एरोफॉयल शेप के जो ब्लेड्स रहते हैं, इसके बिल्कुल एंड पर क्या रहता है, ये हब के अंदर होता है। एक्चुअली में ये पूरा का पूरा आपका हब होता है एक, और यहाँ पर आप मान के चलिए कि ये दो से तीन तरह की ब्लेड्स लगी हुई होती हैं, है ना। आप मान के चलिए ये दो से तीन ब्लेड लगी हुई हैं आपकी, और हर एक ब्लेड जो है आपके हब होता है, यहाँ पर ये हब से कनेक्ट रहते हैं। और ये हब आपका स्टेनलेस स्टील का या फिर माइल्ड स्टील का बना होता है, और ये हब इसके थ्रू इन ब्लेड्स को क्या कर दिया जाता है, आपको रिवेटेड ज्वाइंट कर दिया जाता है।
अब ये जो रहते हैं ब्लेड्स, इसके अंदर बिल्कुल एंड पर क्या रहते हैं, आपका गियरिंग सिस्टम होता है। इस गियरिंग सिस्टम के थ्रू क्या होता है, जैसे जैसे आपके ब्लेड्स का या फिर स्पीड बदलती है या फिर वेरिएशन होता है, तो ये ब्लेड्स क्या होते हैं, हल्के से आपके कर्व शेप में क्या होते हैं, टर्न्ड होते हैं। तो ये क्या कर रहा है, पिच कंट्रोल होता है एक तरह से आपका। सो पिच कंट्रोल में क्या हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द विंड आपके ब्लेड्स जी क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। यही पिच कंट्रोल आपको कहाँ भेज दिया जाता है, कंट्रोलर में भेज दिया जाता है। एंड कंट्रोलर जैसे ही पिच कंट्रोलर से आपका एक सिग्नल रिसीव करता है, तो फिर ये सिग्नल रिसीव करके आपको आपके जो कपलर होता है या फिर आपका जो गियरिंग बॉक्स होता है, अकॉर्डिंग टू इट आपके गियर चेंज करता है, ताकि उसके गियर बॉक्स के चेंज गियर चेंज करता है, और उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, आपकी शाफ्ट रोटेट होती है। और शाफ्ट जैसे ही रोटेट होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी के जो जनरेटर होता है उसके ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। एंड उसमें वेरिएशन जितना भी आता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, वो सडन नहीं होता एकदम, ना तो सडनली गिरता है उसका वेरिएशन, ना तो एकदम से उठता है। तो इसलिए क्या होता है, ये स्पीड मेंटेन करके रखता है। जो जनरेटर हो गया या फिर आपका कपलर हो गया या कंट्रोलर हो गया, कंट्रोलर का काम सिर्फ इतना है कि वो पिच कंट्रोलर के थ्रू एक एयर को कंट्रोल करता है, एयर का कितनी स्पीड से एयर आ रही है उसके अकॉर्डिंग ब्लेड्स रोटेट करते हैं और सिग्नल भेजता है गियर बॉक्स को, कपलर को, जो कि आपके सडनली जो वेरिएशन आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, वो एकदम सडन ना हो। इसके बाद अब हम देखते हैं द सेकंड टाइप ऑफ विंड एनर्जी टर्बाइन। सो हमने सबसे पहले तो हमने ये देखा विंड एनर्जी काम कैसे करता है। विंड एनर्जी में आपके टर्बाइन ब्लेड्स होते हैं, उसी के जस्ट पीछे आपका जो रहता है आपका जनरेटर रहता है, जनरेटर से पहले आपका जो एंड आपके जनरेटर से जस्ट पहले जो रहता है आपका गियरिंग सिस्टम, गियरबॉक्स सिस्टम रहता है, कपलर रहता है, देन आपका जनरेटर रहता है, जनरेटर से देन फिर इन्वर्टर रहता है जिसका काम डीसी से एसी में कन्वर्ट करना रहता है। और मेनली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बात आपकी ये है कि आपका जो विंडमिल रहना चाहिए वो आपका मोस्टली इस एसी एरिया में लगना चाहिए, जहाँ पर आप पहाड़ी इलाके में, जहाँ पर मोस्टली आपका क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एयर आपको प्रोवाइड हो, या फिर आपके गांव वाले इलाकों में जहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह ना हो, बिल्डिंग से हवा रुकती है क्योंकि, और जितने ज़्यादा आपके जितना ज़्यादा ऊंचा टावर होगा उतना ज़्यादा आपको एडवांटेज भी होगा, बट उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अलग अलग तरह के आपके विंडमिल होते हैं। इसमें आप सबसे पहले देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइप ऑफ विंडमिल होता है। सो हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइप ऑफ विंडमिल आपके तीन तरह के होते हैं। आपका सबसे पहला जो रहता है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस सिंगल ब्लेड विंडमिल रहता है। तो मैं आपको फिर से अगेन इसको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। तीन तरह के हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंडमिल टर्बाइन होते हैं। एक सिंगल ब्लेड होता है, फिर एक डबल ब्लेड होता है, और एक मल्टी ब्लेड होता है। सो सबसे पहला जो रहता है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंडमिल टर्बाइन, वो देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर जो डायग्राम देख रहे हैं सामने, ये है आपका सिंगल ब्लेड हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंडमिल टर्बाइन, सिंगल ब्लेड। आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक सिंगल ब्लेड है। अब क्या होता है, अगर यहाँ से राइट लेफ्ट हैंड साइड से अगर आपकी एयर स्ट्राइक करती है तो इसे हम कहते हैं अप विंड, और अगर राइट हैंड साइड से अगर आपकी विंड स्ट्राइक करती है तो इसे हम कहते हैं डाउन विंड, ठीक है। क्योंकि अब लेफ्ट हैंड साइड से अगर एयर आएगी तो हम क्या कह रहे हैं अप, क्योंकि ब्लेड के ऊपर की तरफ स्ट्राइक करेगी, तो इसलिए अप विंड हो गया। और अगर लेफ्ट साइड राइट साइड से अगर स्ट्राइक करेगी अगर एयर, तो ये कहाँ, ब्लेड के नीचे की तरफ स्ट्राइक कर रही है, इसलिए हम इसे कहते हैं डाउन विंड टर्बाइन। इस तरफ से अप विंड टर्बाइन और इस तरफ से डाउन विंड टर्बाइन। यहाँ पर सिंगल ब्लेड टर्बाइन में क्या होता है, जैसे ही आपकी एयर सिंगल ब्लेड टर्बाइन से स्ट्राइक करती है तो ये क्या होता है, ये रोटेट करने लगता है। लेकिन आपके रोटेशन होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर बेंडिंग भी आ सकती है। जैसे ही ये एयर के जस्ट जैसे आपका ये ब्लेड बिल्कुल इस टावर के सामने आ जाएगा जिस दौरान, तो इस दौरान उस पर कोई एयर नहीं लग रही, जिस वजह से एयर ना लगने की वजह से इसमें बेंडिंग आ सकती है, मीन्स आपका ये बेंड हो सकता है एयर ना लगने की वजह से। क्योंकि आपके एक पोर्शन पर से तो एयर लग रही थी, लेकिन अचानक ही एक पोर्शन पे इस तरह से पहुंचा ये बिल्कुल टॉवर के अंडर में आ जाता है, यहाँ पर शेडो में इस अगर ये ब्लेड आपके टॉवर के शेडो में आ जाता है तो यहाँ पर बेंडिंग का खतरा हो सकता है, जिस वजह से हम क्या होता है यहाँ पर एक काउंटर वेट लगाते हैं। इसे हम क्या कह रहे हैं, आउटर वेट आर्म जो है आपका, ये आउटर वेट आर्म जो लगाया है वो काउंटर ब्लॉक करने के लिए लगाया है, ताकि हम इसका वेट सडनली क्या कर सकें, काउंटर कर सकें। जैसे ही शेडो में आए, जैसे एयर इस तरफ से स्ट्राइक करी, तो जैसे ही ये टॉवर के शेडो में आएगा फौरन ही काउंटर वेट होके अपोजिट डायरेक्शन में वापस अपने फ्लो में आना स्टार्ट हो जाए। सो ये रहता है आपका सिंगल ब्लेड टाइप ऑफ अ विंड टर्बाइन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप।
आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये है आपका टॉवर जो कि स्टील का बना रहता है, इसे हमने हॉरिजॉन्टल से फिक्स कर देते हैं। यहाँ पर आपका जनरेटर लगा रहता है, जैसे कि आपने विंड एनर्जी कंपोनेंट सिस्टम में देखा पीछे की तरफ जनरेटर से पहले आपका गियरिंग सिस्टम होता है, गियरिंग सिस्टम के साथ कपलर होता है, कपलर के पीछे जनरेटर होता है, देन जनरेटर इन्वर्टर से आपके कनेक्ट होता है। यहाँ पर आपका गियर सिस्टम भी लगा हुआ है, वही प्लेनेटरी गियर बॉक्स का मतलब यही है कि आपका गियर सिस्टम करा हुआ है। विंड एनर्जी कंपोनेंट सिस्टम जैसा आपने पढ़ा है बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही होता है, सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि इसमें सिंगल ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है, और सिंगल ब्लेड अगर आप विंड टर्बाइन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपको काउंटर वेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरी तरह का जो विंडमिल टर्बाइन होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंडमिल टर्बाइन जो रहता है, वो आपके दो ब्लेड्स होते हैं उसमें, बिल्कुल सिमिलरली टू विंड टाइप ऑफ ब्लेड टर्बाइन होता है। इन दिस टाइप ऑफ टर्बाइन डिजाइनर रोटेट्स डाइवा जनरेटर थ्रू अ सेटअप गियर बॉक्स, बिल्कुल सेम एज इट इज ही रहता है। इस वहाँ पर हम काउंटर वेट लगाते थे ताकि क्या हो, ब्लेड क्या हो जाए भाई, बेंडिंग मूवमेंट ना हो। यहाँ पर ऑलरेडी आपके दो ब्लेड इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो काउंटर वेट लगाने की ज़रूरत ही नहीं रहती है आपकी, है ना। तो इसकी इफ़िशेंसी क्या रहती है आपकी एज़ कम्पेयर टू द सिंगल ब्लेड टर्बाइन के मुकाबले ज़्यादा रहती है। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड टाइप, ये तीसरी तरह का जो है आपका मल्टी ब्लेड टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंडमिल टर्बाइन सिमिलरली है। सिंगल ब्लेड में हम सिंगल ब्लेड का इस्तेमाल करते थे, डबल ब्लेड में हमने दो ब्लेड्स इस्तेमाल करें, मल्टी ब्लेड में हम एक से ज़्यादा ब्लेड इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड वर्किंग सिस्टम बिल्कुल विंड एनर्जी कंपोनेंट सिस्टम की तरह रहता है। अभी तक हमने विंड एनर्जी के बारे में पढ़ा कि विंड एनर्जी जो है एक इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सोलार एनर्जी है। विंड एनर्जी को हम दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्टिकल टाइप ऑफ विंडमिल होते हैं और हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ विंडमिल होते हैं। हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ विंडमिल तीन तरह के रहते हैं, सिंगल ब्लेड टाइप ऑफ विंडमिल, सिंगल ब्लेड टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल विंडमिल, डबल ब्लेड टाइप रहते हैं, और मल्टी ब्लेड टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंडमिल रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वर्टिकल एक्सिस टाइप ऑफ विंडमिल के बारे में। सो अगर मैं आपसे वर्टिकल एक्सिस विंड मिल के टाइप के बारे में बात करूं, तो यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस विंड मिल जो रहती हैं वो दो तरह का रहते हैं। पहला होता है आपका सोविनियस रोटर टाइप ऑफ वर्टिकल एक्सिस विंड मिल। सो सोविनियस रोटर टाइप में ही मैं आपको सारे के सारे जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं यहाँ पर, ये पॉइंट्स जैसे ही आप डायग्राम देखेंगे उस डायग्राम के थ्रू मैं आपको वो सारे के सारे पॉइंट्स समझाता हूँ, और आपको ये पॉइंट्स पढ़ने के बाद आराम से समझ में भी आ जाएंगे। सो आपने सबसे पहले देखा वर्टिकल एक्सिस विंड टाइप ऑफ टर्बाइन जिसमें का नाम था सोवियस रोटर। तो सोवियस रोटर में होता क्या है एक्चुअली, ये आपकी एक एक्सिस होती है, और इस एक्सिस पर क्या होता है, ये आपकी एक्चुअली एक एक्सिस होती है, सॉरी ये एक एक्सिस होती है, और इस एक्सिस पर क्या होता है आपका, यहाँ पर इस एक्सिस पर ये एक तरह से ये दो ब्लेड ये आपके पैराबॉइडल शेप के कर्व शेप पैराबॉइडल कर्व शेप के आपके ब्लेड्स यहाँ पर स्ट्राइक कर दिए जाते हैं। सो ये कैसे दिखते हैं, कुछ एक इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये एस शेप में दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल ही एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं होते हैं, ये सिर्फ एस शेप में दिखते हैं हमें। एक्चुअली में ये है कैसे, एक ब्लेड इस तरह से है एक एक्सिस पर, और दूसरा ब्लेड जो है कुछ इस तरह से है, ठीक है, इसी एक्सिस से कनेक्ट है। और सो यहाँ पर आपने देखा कि जिस तरह से क्या होता है, जैसे ही एयर यहाँ से स्ट्राइक करती है तो एस शेप होने की वजह से एयर इस तरह से स्ट्राइक करके सबसे पहले यहाँ सामने स्ट्राइक करती है, और जब इसको कोई रास्ता नहीं मिलता है तो ये सामने से बिल्कुल इसके सामने दूसरा जो ब्लेड होता है वहाँ स्ट्राइक करती है। तो क्या होता है, जैसे ही एयर स्ट्राइक करती है तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, ब्लेड पर जाता है, और ब्लेड से रोटेशन आपका एक्सिस को जाता है, और एक्सिस रोटेट होना स्टार्ट हो जाती है। सो ये था आपका सेवनस रोटर टाइप ऑफ वर्टिकल एक्सिस विंडमिल टर्बाइन। अब वर्टिकल एक्सिस के दूसरे टाइप ऑफ विंडमिल टर्बाइन को देख लेते हैं। दूसरे तरह का जो रहता है वो रहता है आपका डेरियस टाइप। सबसे पहले हमने पढ़ा सोवनियस टाइप, जिसमें हमने देखा कि एक्सिस की लेंथ के ऊपर लॉन्ग कर्व और पैराबॉइडल शेप के हमने क्या करे हैं, ब्लेड्स लगाए हैं, जहाँ पर कि आपकी विंडमिल स्ट्राइक करती है और आपका वर्टिकल एक्सिस पे क्या होता है, रोटर रोटेट करने लगता है, वही रोटर आपका जनरेटर से कनेक्ट रहता है बाय यूजिंग द गियरिंग सिस्टम कपलर, है ना, और देन यहाँ पर डीसी सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और इन्वर्टर से कनेक्ट करके हम एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरे तरह का अगर आप देखेंगे डेरियस टाइप का, ये भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। क्या होता है कि आपके एक टॉवर पे बिल्कुल छोटे से कर्व्ड शेप में हम दो से तीन ब्लेड्स इस्तेमाल करते हैं। आप ये जो ब्लेड्स देख रहे हैं आप इनको ऐसा मत समझें, ये एक इस तरह से हैं, मींस ये आपके कुछ इस तरह से हैं,
ये एक कर्व्ड शेप में है, तीन तरह के। वहाँ पर आपने सोवरियर में देखा था कि लॉन्ग ब्लेड इस्तेमाल किए जा रहे थे, यहाँ पर सिर्फ ए शॉर्ट ब्लेड इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आपको ये डायग्राम में ऐसे नहीं, मैं आपने हैंड रिटर्न वाला जो डायग्राम है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सो डेरियस टाइप ऑफ वर्टिकल विंडमिल टर्बाइन में यहाँ पर एक गियर बॉक्स है। यहाँ पर जैसे मैंने आपसे कहा कि डी शेप की फिन्स होती हैं, यहाँ पर कर्व शेप की फिन्स होती हैं जो कि इससे कनेक्ट रहती हैं, और यहाँ पर बिल्कुल ये कर्व्ड शेप में होते हैं। मींस जैसे ही एयर यहाँ पर स्ट्राइक करती है तो ये आपके टावर से कनेक्ट रहते हैं। टावर के जस्ट पीछे क्या होता है, गियर बॉक्स, जनरेटर, एंड देन जो हमने वर्ल्ड विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम में देखा था वही उसी तरह से रहता है। सो विंड एनर्जी में हमने दो तरह से हमने टावर विंड एनर्जी किस तरह से हम जनरेट कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो विंड एक इनडायरेक्ट फॉर्म है सोलार एनर्जी का, और विंड एनर्जी दो तरह से होती है आपकी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल विंडमिल। हॉरिजॉन्टल विंडमिल आपकी कितनी तरह की होती हैं, तीन तरह की होती हैं जो कि एक्सिस ब्लेड्स पर डिपेंड करती हैं, सिंगल ब्लेड, डबल ब्लेड या फिर मल्टी ब्लेड। और आपकी वर्टिकल एक्सिस विंडमिल जो रहती हैं दो तरह की रहती हैं, एक होती है आपकी सेवनियस और एक होती है आपकी डेरियस टाइप ऑफ। सेवनियस में आपके लॉन्ग पैराबोलिक टाइप ऑफ कर्व्ड ब्लेड इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि यहाँ पर डी शेप फिन्स टाइप कर्व्ड ब्लेड्स आपके इस्तेमाल किए जाते हैं। सो ये था आज का टॉपिक आपका, जो कि टोटली सोलर बेस्ड थर्मल पावर प्लांट पर था और विंड थर्मल पावर प्लांट पे था। इसमें अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, और यू कैन आस्क मी ऑल द क्वेश्चंस ड्यूरिंग द क्वेश्चनरी सेशन। थैंक यू।